महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने आ गए थे। दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों से प्रहार कर रहे थे। हार जीत तय नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जमीन में धंसे पहिए को निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरा और अपने धनुष बाण रखकर पहिया निकालने लगा। कर्ण ने अर्जुन से कहा था, निहत्थे पर प्रहार न करो। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो कर्ण ने कहा कि तुम एक वीर योद्धा हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है कि तुम एक निहत्थे व्यक्ति पर प्रहार करो। ये अधर्म है। मुझे रथ का पहिया निकालने दो और फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। कर्ण की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले कि जब कोई अधर्मी व्यक्ति परेशानियों में उलझता है, जब वह संकट का सामना करता है, तब उसे धर्म की याद आती है। श्री कृष्ण ने कर्ण को याद दिलाए उसके अधार्मिक कर्म। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि जब द्युत क्रीड़ा में कपट हो रहा था और जब द्रौपदी का भरी सभा में चीर हरण हो रहा था, उस समय तुमने धर्म का नहीं अधर्म का साथ दिया था। वनवास के बाद भी तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाया, तब भी तुम चुप रहे। युद्ध में मात्र 16 साल के अकेले अभिमन्यु को कई योद्धाओं ने घेर कर मार दिया, ये भी अधर्म था। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? कर्ण ये बातें सुनकर निराश हो चुका था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मत रुको और कर्ण का वध करो। कर्ण को धर्म की बात करने का अधिकार ही नहीं है, इसने हमेशा अधर्म का ही साथ दिया है। अर्जुन ने तुरंत ही कृष्ण की बात मानकर बाण छोड़ दिया और बाण कर्ण को लगा। इसके बाद कर्ण के अंतिम समय में श्री कृष्ण ने उसकी दान वीरता की प्रशंसा भी की। श्री कृष्ण की सीख। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने हमें ये समझाया है कि कोई भी व्यक्ति अधर्म करते समय सही गलत पर विचार नहीं करता है। जब वही व्यक्ति मुसीबतों में फंसता है, तब उसे धर्म और अधर्म की बातें याद आती हैं। कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का गलत कामों में साथ दिया, उसे अधर्म करने से नहीं रोका। इसी वजह से उसका धार्मिक आचरण भी महत्वहीन हो गया। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा।